ये लीजिए भैया। अरे बेटा बाकी पैसे तो ले लो। अंकल रख लीजिए, थोड़ा जल्दी में हूँ मैं। अब यार कहाँ चला गया ऑटो वाला? इतना इंपॉर्टेंट डेटा फोन के अंदर। भाई साहब यहाँ पे भी एक ऑटो खड़ा था, मैं 5 मिनट पहले हूँ उस ऑटो के अंदर, आपने देखा क्या? अरे यार कमाल लोग हैं। भाई साहब यहाँ पे भी एक ऑटो खड़ा था, आपने देखा? अरे मेरा फोन रह गया उसके अंदर। नहीं भैया मैंने कोई ऑटो नहीं देखा। स्पर्श क्या हुआ भैया, आप इतना परेशान क्यों? बताता हूँ, मेरे फोन पे फोन मिला पहले। क्या हुआ भैया? अरे भाई सारे सवाल जवाब अभी करेगा क्या? फोन मिला, इमरजेंसी है। हाँ मिला तो। बेल जा रही है। ये आपका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। पता था मेरे को साले ने कर दिया स्विच ऑफ। भैया बात क्या है बताइए तो। आज दोपहर में ऑफिस गया था ना मैं, अरे जिस ऑटो में गया था उसमें फोन रह गया मेरा। अपना फोन मिल रहा है ना ऑटो वाला। भैया फिर तो पक्का उस ऑटो वाले ने आपका फोन चुरा लिया है। सही कह रहा है। अरे कितने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, PDF पड़े ऑफिस के। क्या मुँह दिखाऊंगा बॉस को, समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया शांत हो जाइए, परेशान ना होइए, हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, आपका फोन मिल जाएगा। सही कह रहे हैं। चल कोई गेट पे है। तुम तो वही हो ना जिसने मेरा फोन चोरी किया। फोन निकालो मेरा। अरे फोन निकालो यार। बेटा ये आपका वो, मुझे माफ करना बेटा, वो जल्दबाजी में फ़ोन आप मेरे ऑटो में छोड़ा थे ना, मैंने आवाज़ भी दी थी, लेकिन फिर आपका फ़ोन देखा तो मेरे मन में लालच आ गया और मैंने इसको ऑफ कर दिया, सिम निकाल के फेंक दिया और फ़ोन अपने पास रख लिया। अगर तुमने चोरी कर ही ली थी, सिम फेंक दी थी, तो आप लौटाने क्यों आए? वो बिटिया, पापा ये देख, हैप्पी बर्थडे। अरे ये फोन मेरे लिए है पापा। हाँ तेरे जन्मदिन पे तो लाया मैं। थैंक यू सो मच पापा। खुश रहे बेटा, खुश रहे। पापा ये फोन किसका है? किसका क्या मतलब, तेरा है बेटे, मैं तेरे लिए तो लाया, तू फोन देना, अच्छा है ना? नहीं पापा, इसमें किसी और की फोटो है। आप सच सच बताइए, आप ये फोन कहां से लेकर आए? वो बेटा आज एक सवारी जल्दबाजी में फोन मेरे ऑटो में छोड़ गया, मुझे पता नहीं क्या ख्याल आया और मैं तेरे लिए ले आया जन्मदिन पर। क्या पापा, क्या कभी मैंने आपसे फोन के लिए जिद करी है? नहीं बेटा नहीं। तो क्यों पापा आप अपने मन और मेहनत से मेरे लिए एक छोटा सा फोन भी ले आएंगे ना, चाहे वो कीपैड फोन ही क्यों ना, मैं उसमें ही खुश हूँ पापा। पर मेरी खुशी के लिए आप किसी और की खुशी कैसे छीन सकते हो? नहीं नहीं बेटे, मैं ऐसा करने, मैं आज पता नहीं कैसे ये गलती
मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मेरी खुशी के लिए कोई गलत रास्ता अपनाएं, क्योंकि मेरे लिए आपका साथ ही काफी है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे बच्चे, ये मैं मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, पता नहीं कैसे ये। पापा कोई बात नहीं, पर प्लीज ये फोन जिसका भी है ना, आप उसे लौटा कर आई और उससे माफी मांगी। हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी आता हूँ, अभी आया मैं। बस बेटा मैं अपनी बेटी के जन्मदिन पे उसको मोबाइल देना चाहता था। औरों की बेटियां जैसे मोबाइल चलाती रहती हैं, मेरा भी दिल था कि मेरी बेटी भी मोबाइल चलाए, लेकिन कभी खरीद नहीं पाया। इसलिए जब आपका मोबाइल देखा तो बस पता नहीं मैं कैसे बह गया बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा हूँ नहीं। मैं अंकल 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 आप माफ़ी मत मांगिए, आप बहुत बड़े हैं हमसे उम्र में, आपको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, आपने अपने फ़ोन लौटा दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वरना आज के टाइम में एक बार चोरी करने के बाद कौन वापस आता है। वैसे अंकल आपको हमारा घर कैसे पता चला? वो आप यहीं से तो बैठे थे ना मेरे ऑटो में, तो मैंने आपकी फ़ोटो देख के पूछा, अंदाज़ा लगाया तो बता दिया किसी ने कि आप यहीं रहते हो। अच्छा बेटा मैं अंकल एक मिनट रुकिएगा, बस आप एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। अंकल आप ये फ़ोन रख लीजिए। नहीं नहीं बेटा मैं ये कैसे, मैं अंकल रखिए आप इसको, ये मेरे ऑफिस का पुराना फ़ोन है, पर फिलहाल अब मेरे किसी काम नहीं आता है, इसको आप रख लीजिए और अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अंकल इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बस अपनी बेटी को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोल दीजिएगा।